सेमीफाइनल मुकाबले के लिए हुआ टीम इंडिया का अनाउंस, ये धाकर खिलाड़ी टीम में हुआ। वेलकम बैक योर चैनल गाइस। तो आज बात करते हैं आने वाले सेमीफाइनल मैचों का शेड्यूल, टाइम और जगह सब कुछ को लेकर के बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव का फैन, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 9 नवंबर को मेलबोर्न में 1:30 बजे से मैच खेला जाएगा, और इंडिया इंग्लैंड का 10 नवंबर को खेला जाएगा। इंग्लैंड इंडिया का सेमीफाइनल मैच 1:30 बजे से एडिलेड में खेला जाएगा। वहीं अगर बात करें इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड का टीम जो है हमारे टीम इंडिया के सामने कमज़ोर नज़र आ रही है। वहीं पर अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का बात किया जाए, तो पाकिस्तान टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है न्यूजीलैंड से, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यूजीलैंड का टीम बेहतर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और प्लेइंग 11 जो घोषित हुआ है भारतीय टीम का, वो भी हम आपको बताएंगे कौन है कौन नहीं है। आपके स्क्रीन पर मैं दे दूँगा, BCCI का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आप लोग खुद देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा बात है कि अगर इंग्लैंड और इंडिया का कंपेरिजन किया जाए, हमारे बल्लेबाज और उसके गेंदबाज की बराबरी किया जाए, या उसके बल्लेबाज और हमारे गेंदबाज का बराबरी किया जाए, इस मामले में हमारे गेंदबाज और हमारे बल्लेबाज उससे कागज पे आगे हैं। अगर ऐसे भी बात किया जाए तो हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो विराट कोहली का फॉर्म हो, या फिर एसका यूनिवर्स ऑफ सूर्य कुमार यादव का फॉर्म हो, चाहे वो KL राहुल का फॉर्म हो। हाँ, रोहित शर्मा नहीं चला है, बट हार्दिक पांड्या बॉल से बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। वहीं हर्षदीप सिंह और मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार गजब का जलवा भी खेल रहा है। तो आने वाले T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हमारी टीम बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी, ये हमको पता है। लेकिन रहा बात पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को हर हाल में न्यूजीलैंड को पटकनी देना होगा, तभी पाकिस्तान और इंडिया, मतलब भारत और पाकिस्तान का रोमांचक मुकाबला फाइनल देखने को मिलेगा हम लोगों को, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उस रोज़ वर्ल्ड कप फाइनल के दिन T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल के दिन काफ़ी बवाल होने वाला है, एक भी टिकट नहीं मिलने वाला है, मैदान तो एक पूरा सॉल्ड आउट हो जाएगा पहले ही, क्योंकि इस मैच में कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान को खेलते हुए देख रहे हैं। तो चलिए प्लेइंग 11 बताते हैं, ऑफिशियल टीम इंडिया ने अनाउंस कर दिया है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे ऑफिशियल टीम अनाउंस, आप देख सकते हैं कि इंडियन प्लेइंग 11 क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय।